देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे किस तरह से बीजी के अंदर एक इनवॉइस को डेवलप किया जाता है। जैसे देखिए मेरे पास ये इनवॉइस है, मैं चाहता हूँ कि इस इनवॉइस को मुझे किस में बनाना है, बीजी के अंदर बनाना है, जो मेरी A5 की स्कीम है। किसकी है मेरी, ये A5 की। तो सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ सोचनी है जो बिल्ड डिजाइनिंग है। सबसे पहले बिल्ड डिजाइनिंग करने के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आएंगे, फीचर ऑप्शन के अंदर जाएंगे, आपको मिलेगा इनवॉइस डॉक्यूमेंट, प्रिंटिंग के अंदर आप जाएंगे कहाँ पर, एडवांस प्रिंटिंग में। कहाँ जाएंगे आप लोग, एडवांस प्रिंटिंग में। एडवांस प्रिंटिंग में जाएंगे और सबसे पहले यहाँ पर एक नेम डिफाइन करना होगा, जो भी आपको नाम रखना हो। जैसे मैंने बोला A5 न्यू फॉर्मेट, क्या ये मेरा नेम है यहाँ का, आ गया। अब इसको करने से क्या हो गया, अगर मैं इसी वर्ड के आगे क्या लगा दूँ, इसी वर्ड के आगे मैं स्टार लगा देता हूँ तो ये नाम मेरा सबसे ऊपर आ जाएगा। क्या होगा, नाम मेरा सबसे ऊपर आएगा, ठीक है। स्टार लगाने से क्या होता है, अगर कोई भी नाम आपको सबसे ऊपर चाहिए तो ये आएगा। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, जो आपने यहाँ पर नाम क्रिएट करा, अब जब सेल का आप कोई सा भी बिल निकालोगे तो उस बिल के अंदर आपको क्या होगा, सबसे ऊपर यहाँ फॉर्मेट आ जाएगा और आप इस फॉर्मेट को निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। दूसरा, इसी के बाद अब मुझे इस बिल की डिजाइनिंग करनी है। क्या करनी है, इस बिल की मुझे डिजाइनिंग करनी है। देखिए डिजाइनिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहीं आएंगे और यहाँ से सबसे पहले हम इसके ऊपर का हिस्सा बनाएंगे जिसको हम फुटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इतना हिस्सा होता है आपका क्या कहलाता है, फुटर कहलाता है, सॉरी हेडर कहलाता है, फुटर तो नीचे होता है ना, हेडर। आज गलती हो रही है, कर दें, ठीक है, हो गया। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं हम लोग हेडर में, ठीक है, हेडर में जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर की ये बनाएंगे। पहला हमें क्या लिखना है, एस्टिमेट लिखना है। अब कितने पेपर का साइज होगा, जो आपका ये पूरा दिख रहा है इसको हम 96 बोलते हैं, कितना बोलते हैं 96, और इसका आधा कितना हो जाएगा 53। तो मैं यहाँ पर 53 से बनाता हूँ, तो मैंने यहाँ पर ओल्ड, अब जैसे मैं यहाँ देखो बता रहा है कि आपको सबसे पहले फॉन्ट कैसा लिखना है। यहाँ पर देखोगे तो गाढ़े कलर का दिख रहा है बोल्ड में, अब यही आपको यहाँ लिखना है। तो आपके पास फॉन्ट है, जैसे आप F4 दबाओगे तो आपके यहाँ स्टाइल आएंगे। पहला आता है बोल्ड, अगर किसी वर्ड को आपको गाढ़े में लिखना है तो आप क्या करेंगे, बोल्ड यूज़ करेंगे। किसी वर्ड के नीचे अंडरलाइन चाहिए तो आप यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। और बात होती है किसी कैरेक्टर की, तो इसमें आपको CP12 ले सकते हैं, कंडेंस ले सकते हैं, या आप फिर बोल्ड भी ले सकते हैं, हो गई कंपनी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर CP12 लेके चलता हूँ। CP12 क्या होता है, नॉर्मल कैरेक्टर होते हैं। कितने कैरेक्टर होते हैं, नॉर्मल। अब कैसे दिखाऊंगी नॉर्मल कैरेक्टर होते हैं, जब भी आप यहाँ पर ओल्ड पी करके प्रिंट आउट निकालते हो, क्या करते हैं, प्रिंट आउट निकालते हो, तो यहाँ आपको बताता है जो नॉर्मल कैरेक्टर होता है वो एक लाइन में कितना जाएगा, 79। जो CP12 होता है वो एक कैरेक्टर में कितना जाएगा, 94। और जो कंडेंस होता है वो कितना जाता है आपका, 1। और मैक्सिमम कितना जाएगा आपका, ठीक है, इतना चला जाएगा। तो मैंने क्या करा, मैं यहाँ पर जाके सबसे पहले CP12 ऑन करा, क्या करा, ऑन करा। अब इसके बाद मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर ये वर्ड लिखना है। तो वर्ड के लिए आप क्या कीजिए, ओल्ट डी दबाइए या ओल्ट F4 दबाइए। ओल्ट F4 दबाओगे तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट टेक्स्ट आएगा, यहाँ पर लिखिए, इंटर द टेक्स्ट, टेक्स्ट हटा के जो आपको लिखना है वो यहाँ आप लिख देंगे। हमें क्या लिखना है, एस्टीमेट, तो यहाँ पर मैंने एस्टीमेट लिख दिया। अब कितने वर्ड का लिखोगे, तो मैंने बोला ये 53 का होगा, ये 50 की लेंथ है। जैसे मैं इसको, अब CP ऑन हुआ है तो CP को ऑफ भी करना कंपलसरी है, ये याद रखना। जब आपका CP ऑन होता है तो वही आपका CP क्लोज भी होगा जो आप ऑन करोगे। जैसे मैं ओल्ड पी करूंगा, देखिए मेरे पास एक वर्ड लिखा जिसमें क्या हो गया, एस्टीमेट। सी का मतलब क्या होता है, सेंटर, एल का मतलब लेफ्ट, और आर का मतलब, तो यहाँ पर राइट में जाएगा ये वर्ड, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इस वर्ड की लेंथ को 3 करता, क्या करता, 3 करता, तो कितने कैरेक्टर दिखते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। और मैंने बोला कितना चाहिए, 53, तो यहाँ पर आपका देखिए 53 आ गया। क्या चीज, 53 मैंने इसलिए कहा क्योंकि मुझे इसके साइज का बनाना है ना। अगर मैं यहाँ पर इसको 96 कर दूंगा, क्या करूंगा, इसको 96 कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, पूरा A4 पे आ जाएगा। तो A4 तो चाहिए नहीं मुझे, A4 चाहिए राजू, तो क्या चाहिए मुझे, A5। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 53, और देन ओल्ड V कर दूंगा, या और बड़ा करना है तो आप यहाँ पर 60 कर दीजिए। तो आपको पहले सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपको रखना कितना है, ठीक है। जितना रखना है आप यहाँ से इसका साइज भी उतना बड़ा कर सकते हैं, हो गया। अब इसके हमें यहाँ बोल्ट है हमारा नॉर्मल है, हमें ये करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाके
सीपी बोल्ड करेंगे, पहले बोल्ड करना है, यहाँ पर F4 दबाएंगे क्या हो जाएगा, बोल्ट। बोल्ट ऑन हुआ है तो बोल्ट यहाँ पर ऑफ भी होगा, और जैसे ही मैं ओल्ड वी करके देखूंगा तो मेरा वर्ड गाढ़ा हो गया। हो गया गाढ़ा, ये हमारा क्लियर हो गया। अब ये नहीं, जो भी आपको लिखना है यहाँ लिख सकते हैं, जैसे गौरव, रवि, कमिल, जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। हाँ ये फिक्स हो गया, नॉन चेंजेबल है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, इसके बीच में एक लाइन चाहिए, क्या चाहिए भारत, लाइन चाहिए मुझे, क्या चाहिए लाइन। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा BALHF, ये लाइन के लिए कोड होता है, ये एक लाइन आ जाएगी, ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखिए आपकी एक लाइन आ गई बिल में। उसके बाद हमें क्या चाहिए, पार्टी डिटेल, क्या चाहिए हमें, पार्टी डिटेल। तो हम यहाँ पर नीचे स्टार्ट करेंगे, हाँ, तो यहाँ पर CP12 करेंगे, उसके बाद बोल्ट ऑन करा, यहाँ लिखा है बोल्ट है ना ये भी, तो यहाँ पर बोल्ट करेंगे F4 से, तो बोल्ट हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये वर्ड थोड़ा तिरछा है, इटैलिक टाइप में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका F4 I4 इटैलिक। उसके बाद हमें क्या लिखना है, पार्टी डिटेल, तो ओल्ट F4 करेंगे, यहाँ से फील्ड को लेंगे और क्या कर देंगे यहाँ पर, ठीक है आ गया। अब कितने पे लिखना है आपको, जितने पे लिखना है आपने बोला 10 पे लिखना है, 18 तक ये आएगा मेरा, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करना है, लेफ्ट से। तो देखिए यहाँ बोल्ट इटैलिक ऑन हुआ था, इटैलिक को ऑफ भी करना पड़ेगा, ऑफ हो गया। बोल्ट आपका ऑन हुआ तो बोल्ट को आप भी ऑफ भी करना पड़ेगा, और CP12 ऑन हुआ तो CP12 को ऑफ भी करना पड़ेगा। जैसे आप ओल्ड भी करेंगे, देखिए आपकी आगे पार्टी डिटेल, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ छोटा है और यहाँ मेरे पास बड़ा है, तो ये दिक्कत क्रिएट कर सकता है ना, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी में CP12 को हटा के क्या कर देंगे हम लोग, कंडेंस कर देंगे। कंडेंस सबसे छोटा होता है, और एंड दबाएंगे, सबसे आखिरी में जाएंगे, और यहाँ भी क्या करेंगे राजू, जो ऑन हुआ है वो हमारा क्या होता है, ऑफ भी होता है। ये देखिए आ गया, जो हमें चाहिए था वही आया, एक्यूरेट इटैलिक भी आ गया। अब उसी के बाद देखो थोड़े से दूर पे ना एक बीच में लाइन भी है, लाइन है ना, तो अब इसके बीच में कितनी लाइन आपको चाहिए वो आपको सोचना है। तो मैंने कहा ना इसके बाद मुझे थोड़ी सी और लाइन चाहिए, तो यहाँ पर BAHV, A, ये कोड होता है जो बीच में लाइन लाता है, इस तरह का आ गया। लेकिन मुझे तो ज़्यादा चाहिए था, तो मैंने इसकी साइज़ को बढ़ा दिया, मैंने बोला 36, तो कहाँ पर आ गया, इतनी दूर आ गया, मैंने इसकी कॉलम को और बढ़ा दिया, हो गया आ गया बिल्कुल। हैं सबर करो, पूरा आएगा, सबर करो, ठीक है आ गया। इसके लाइन का कोड राजू देखा नहीं, ये रहा ना कोड, अगर ये कोड हटा दूँ ना, हटा दिया, हट गया लाइन गायब। अमन भाई कितना टाइम लगेगा और, आ गया। अब हमें लाइन लानी है बिल में, तो हम क्या करेंगे, क्या लगाएंगे कोड, कहीं भी लगा दो, आयुष सर को वहाँ बैठा दो, चलो वहीं बैठे हुए वहीं करा लो, फिर मैं बता देता हूँ। अमन आप भाई कर लो, हो गया आ गया। अब इसके बाद मुझे यहाँ क्या लिखना है, बिल नंबर, क्या लिखना है, बिल नंबर। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा आगे, यहाँ पर ही एक ओल्ड F4 करके क्या ले लूँगा, मैं टैक्स ले लूँगा, और क्या लिख दूंगा यहाँ पर, बिल नंबर। बस इसको मिटाना है और बिल नंबर आ गया। कितने कॉलम का चाहिए, तो मैंने बोला 10 तक का, 10 हो गया। मैं ओल्ड भी करूँगा, देखिए इसके बाद बिल नंबर आ गया मेरा, आ गया राजू। लेकिन यहाँ पर डॉट भी चाहिए थी, ये डॉट तो आई नहीं, तो इस डॉट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस डॉट के लिए आप थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, दोबारा ओल्ड F4 कीजिए, क्या कीजिए, ओल्ड F4 यही वर्ड लीजिए दोबारा, और क्या कर दीजिए यहाँ पर, जहाँ इंटर टैक्स है उसमें क्या डाल दीजिए, डॉट डाल दीजिए, और यहाँ 2 लिख दीजिए, देखिए आगे डॉट। उसके बाद हमें और चाहिए, तो मैं यहाँ पर 15 करता हूँ, थोड़ा सा गैप कम दिख रहा है, अब दूर हो गया मेरा गैप, आगे समझ में राजू, हो गया गैप। अब इसके बाद मुझे बिल नंबर चाहिए, बिल नंबर कौन सा चाहिए, बिल नंबर मुझे ये वाला बिल नंबर नहीं चाहिए, मैनुअली मैं चाहता हूँ मेरा बिल नंबर जो मैं यहाँ डालूँ ना वो डायनेमिक बिल नंबर चाहिए मुझे, मैनुअली नहीं डालना मुझे। अब बात कहाँ की हो गई है, डायनेमिक की बात हुई है। जब डायनेमिक की बात आती है तो हम टैक्स नहीं लेंगे राजू, फिर हम क्या करेंगे, इसी के आगे हम ओल्ट F4 करेंगे, क्या करेंगे, ओल्ट F4,
और हम कहाँ जाएंगे, बिल हेडर के अंदर। बिल हेडर के अंदर हमें क्या चाहिए, बिल नंबर। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ये रहा बिल नंबर, ठीक है। कितना मैंने बोला इसकी लेंथ कितनी होगी, 15 होगी, और इसको मैंने यहाँ से सेव करा। अब देखो मैं ओल्ड वी करूँ तो बिल नंबर आ गया। अगर मैं इस, हाँ देखो ना ऊपर ही चाहिए था, अगर मैं इस पार्टी का बिल निकालूँ ओल्ड वी और A5 फॉर्मेट वाले से जो हमने नया बनाया, अगर मैं इसमें आपको प्रीव्यू करके दिखाऊं तो देखो बिल नंबर आ गया, आ गया। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब यहाँ देखिए, अब यहाँ थ्रो आ रहा है। अब यहाँ पार्टी का नाम चाहिए, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पार्टी का नेम। तो राजू क्या करेंगे, सिंपल अब यहीं जाएंगे दोबारा हम लोग, यहाँ आएंगे स्टैंडर्ड A5 इसी के अंदर। अब मुझे है क्लियर, तो आप इसी को कॉपी कर लीजिए। क्या करिए राजू, इसी पूरी लाइन को कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो गया आपका, और इसी लाइन को आप यहाँ कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दीजिए, या फिर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप F4 कीजिए, कंडेंस को लेते जाइए और इंटर मारते जाइए। अब देखो यहाँ जो मैंने वर्ड लिखा है यहाँ बोल्ट में नहीं है, क्या मेरा वर्ड बोल्ट में है, क्या बोल्ट में नहीं है ना, तो उसको किस में करेंगे हम लोग, नॉर्मल ओल्ट F4 करेंगे और क्या ले लेंगे। अब मुझे चाहिए राजू यहाँ पार्टी का नेम, क्या चाहिए, पार्टी का नेम जो बिल में डालूंगा। तो वहाँ कहाँ जाएंगे, पार्टी नेम में आएंगे, और यहाँ जो भी पार्टी का नेम, जैसे यहाँ लिखा है बिल्ड पार्टी नेम, यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, बिल्ड पार्टी नेम। पहले में हमारी कितनी थी राजू, 15 था, ठीक है, इतना हो गया, बोल्ट ऑन हो गया। इसके बाद हम यही लाइन यहाँ पर डालेंगे CV। अगर मैं दीपक कंडेंस को यहीं बंद करूँ तो देख ऐसे दिखेगा मेरा बिल, आ गया। लेकिन कंडेंस के बाद मुझे ये वर्ड भी तो लिखना है, लिखना है ना। अगर मैं ऑफ तो हमने कर दिया, दीपक ध्यान नहीं दिया, हो गया ऑफ तो। लेकिन दीपक मुझे ये करना है कि ना मुझे इसके बाद ये वर्ड लिख के और फिर वही कंडीशन चाहिए, चाहिए ना। तो मैं यहाँ पर वही वर्ड को उठा सकता हूँ जो मैंने यहाँ पर मैनुअली टाइप करा था, इतने को उठाया, कॉपी करा और यहाँ पर जाके पेस्ट कर दिया, पेस्ट हो गया। बस यहाँ क्या क्या लिख दूंगा राजू, क्या लिखा था, तो यहाँ पर क्या था, नंबर भी था, क्लियर। अब आ गया, इनवैलिड है भाई, इनवैलिड ये यहाँ आ गया ना, आ गया राजू। लेकिन राजू ये कहाँ पर आ गया, अब ये चाहिए कहाँ था, मैं यहाँ चाहिए था। तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा, जब आप ध्यान दोगे तो पहले वाले में तो हमने 50 लिया है और इसमें कितना ले लिया, 40। तो जब हम 40 ले रहे हैं तो जितने करेक्टर के बाद होगा उतने करेक्टर के बाद तो ये आएगा, तो हमें 50 करना पड़ेगा। ये चीज़ बिल में सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इसके ही लोग 1500-2000 रुपये ले लेते हैं फटाक से, आ गया राजू, क्लियर हो गया। लेकिन सर फिर भी नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जो आप यहाँ लाइन का हमने ऊपर कोड डाला था ना ये वाला, ये भी एक कैप्चर करेक्टर करता है, क्या करता है, एक लाइन लेता है। अगर मैं इसको 51 कर दूँ ना तो देखिए बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा, आ गया एक्यूरेट, किसी को कोई दिक्कत है, आ गया। लेकिन ये बोल्ट तो हुआ नहीं, तो हम यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या डाल देंगे, ओल्ट ऑन, और यहाँ क्या कर देंगे हम, बोल्ट ऑफ कर देंगे, हो गया। ओल्ट वी करके देखें, ऑफ नहीं करोगे आप, नहीं नहीं करो ना आप, क्यों नहीं करेंगे, नहीं करें तो देखो एक मैसेज आएगा कि आपने बोल्ट को नॉट अभी बंद नहीं करा है, जैसे बंद करोगे फिर अलर्ट आएगा, होगा कुछ भी नहीं, वर्क ही नहीं करेगा। अभी मैं चाहता हूँ, हो गया तुम्हारा, एस्केप करो, F9 करना है तो F9 से हाइड कर दो, तो एस्केप कर दो, ठीक है। अब बात याद रखना है कि मुझे ना ये जो थ्रो ने मुझे यहाँ पर नरेशन लिखनी है, जो मेरी नरेशन हो कहाँ पर आ जाए, यहाँ आ जाए। तो बस सिंपल है यार, उठाओ ओल्ट F4 करो, यहाँ पर जाके ढूंढो नरेशन कहाँ पर आती है, नरेशन वाउचर में आती है ना, वाउचर में जाओ, ये पार्ट ऑफ किसका है, नरेशन का, यहाँ नरेशन डाल दो। कितने कैरेक्टर हमने यहाँ पर नरेशन डाली है, 15, वाउचर नंबर 15 था ना हमारा, तो हम नरेशन तो हमारी बड़ी हो सकती है, तो हम कितने ले लेते हैं, 40 कैरेक्टर ले लेते हैं, ओल्ड वी कर देते हैं, बंद नहीं करा, देखो हो गया। मैं इसको 30 कर देता हूँ, 30 हो गया, ओल्ड वी कीजिए, आ गया। लेकिन अब मुझे यहाँ पर बोल्ट को बंद कर देता हूँ, हो गया बंद, तो बिल डिजाइन करना आ गया, ये आपका इतना बन गया। अब इसको देखो मैं सेव करता हूँ, सेव हो गया राजू। अब देख मैं यहाँ जाऊँगा F5 करूँगा,
ओल्ड पी करूंगा और जैसे ही मैं फॉर्मेट निकालूंगा, देख यहाँ पार्टी का नाम ऑटोमेटिक उठ के आया, यहाँ बिल नंबर आ गया, नेशन डाली थी मैंने, कोई नेशन नहीं डाली थी ना, बिल्कुल भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हैं ये आपकी कॉलम की विड्थ के ऊपर डिपेंड है ना, अभी बताया नहीं साइज के ऊपर, देख आगे हम पर उठ के आ गया। अब भारत का क्वेश्चन आया कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कितना डालूं, तो जब मैंने आपको बिल बताया था तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, अगर मैं इस लाइन को हटा दूं ओल्ड वी करूं तो ये आ गया, अगर मैं इसकी साइज को कम करूंगा तो कितना, मैंने बोला सर मुझे 40 चाहिए तो 40 का दो, कितनी रह गया, नहीं मैंने जितना मैं जितना मुझे 10 चाहिए वो 10 कर दूंगा तो मेरा बिल कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा हो गया, 100 कर दिया ना मैंने बिल मेरा जितना बड़ा, मतलब तेरे को पहली लाइन में ही सोचना है तेरा बिल कितना बड़ा जाएगा। नहीं अभी तेरे मन में क्या चल रहा है वो बत, अब तूने बोला सर मुझे आधा कर दो उसका, हैं हाँ, और एक याद रखना जो ये लाइन आप यहाँ लोगे ना वही लाइन कंडेंस के अंदर 50 कैरेक्टर की होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाए, हाँ हाँ ठीक है ओल्ड भी। दीपक मुझे भाई आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे क्यों, देखो आपका काम तो नहीं लेकिन फिर भी अगर आप मेहनत से इतनी टाइम लगा के यहाँ आ रहे हो, अगर नहीं सीखोगे तो प्रॉब्लम आपको बहुत हो जाएगी यार। अब इसके बाद आता है मुझे लाइन में एड्रेस चाहिए, पार्टी का क्या चाहिए मुझे एड्रेस चाहिए, तो इस लाइन को पूरी को कॉपी कर लो और क्या कर दो नीचे पेस्ट कर दो, और जहाँ आपका पार्टी का नेम था उसको क्या कर दो आप पार्टी एड्रेस कर दो, यही तो करोगे आप, यहाँ करो ऑल्ट F4 करो फील्ड उठाने के लिए, कहाँ पार्टी का एड्रेस चाहिए तो पार्टी में जाइए पार्टी एड्रेस लाइन 1 ठीक है, कितनी कैरेक्टर की कर दो 51 हाँ 51 कर दो, बन गया बिल। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या है बैग्स हैं, तो इसको मॉडिफाई करके क्या कर देंगे हम लोग बैग्स कर देंगे, ये आ गया हो गया। अब यहाँ नरेशन अगर मैं यहाँ ऐसी बिल सेव कर दूंगा तो क्या होगा, नरेशन दो जगह आएगी, अब दो जगह ही तो आएगी नरेशन, क्यों दो जगह क्यों आएगी सर, क्योंकि दो जगह हमने नरेशन की फील्ड ली है, तो मैं चाहता हूँ ये मेरी वाउचर फील्ड है, ये कौन सी फील्ड है मेरी वाउचर फील्ड है, ये बैग में कहाँ डालूंगा वाउचर फील्ड 1 में डालूंगा, बैग्स आ गया और सेव कर दूंगा, हो गया। आप देखिए आगे बैग, तो मैंने नंबर ऑफ बैग डाले, मैंने बोला 10 बैग हैं ठीक है, अब मैं सेव करूंगा तब भी नरेशन ही आएगी, क्यों आएगी नरेशन क्योंकि तो बिल में हमारे नरेशन है। अब यहाँ पर जो आई है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे वाउचर ओपीटी फील्ड 1, क्यों ओपीटी फील्ड कैसे बन गई सर, आपने कैसे बोला ये ओपीटी 1 बन रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने बोला था ये पहले नंबर की ओपीटी फील्ड है ठीक है, हाँ तो 5 नंबर लेना पड़ेगा, तो बिल में जाएंगे यहाँ पर क्या कर देंगे आप, जहाँ नरेशन है उसको हटा के क्या कर देंगे आप, मैं रियल बताऊँ ना इसको सीखने के लिए 4 साल लगाए मैंने, अभी भी रात को 1-1 बजे बैठ के बिल बनाता रहता हूँ फ्री में लोगों के सीखने के पर्पज से, मुझे कभी सीखने को मौका नहीं मिला, किसी से पूछता था तो वो उसके मन में ये प्लानिंग चलती थी कि मैं इसको सिखाऊंगा तो मेरे को पैसे नहीं मिलेंगे, तो क्या तो रहा हूँ लोगों के बिल गूगल से बिल उठाया ऐसा फॉर्मेट बनाना, वो बनाने बैठ गया तभी आया है भाई, तो मैं तो फिर ही बता रहा हूँ, मैं अगर मेरे मन में लालच हो गया तुम्हें बताऊंगा तुम सीख जाओगे तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मुझे वो है कि तुम अच्छा काम करो इसलिए सिखा रहा हूँ ओल्ड F4। अभी आ तो रही है, अब बिल में चेंज नहीं कर सकता इतना, अभी पूरा बिल बनाना सीख जाएगा यहाँ पर देख, अब ओपीटी फील्ड 1 करी मैंने, कर दी 1 सेव करा, अगर मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ से मॉडिफाई करके देखूँ, देखिए मेरे बिल में A5 आ जाएगा, आ गया F5 में आ गया, पार्टी का एड्रेस यहाँ उठ नहीं रहा, क्यों नहीं उठ रहा, क्योंकि मैंने पार्टी का एड्रेस यहाँ कोई डाला ही नहीं है,
सेकंड में तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा सेकंड में, क्योंकि हमने वहाँ पर लाइन एक ही दी है। आ गया पार्टी का एड्रेस, आ गया के लिए, हाँ फिक्स हो गया। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, इसमें रह क्या गया, बस एक ही चीज़ तो आपको सोचनी थी। क्या चीज़ सोचनी थी, बस पहले जो बिल की साइज थी वही तो सोचनी थी आपको, वो जो आपने सोच ली वापी काम ही खत्म हो गया आपका। अब इसके आपको क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए ना। अब यहाँ पर देखो कुछ लिखा है, यहाँ कुछ भी नहीं आएगा ना, तो इसमें यहाँ पर इतनी लाइन में कितना लाइन हो गया हमारी 51, और एक कितना हो गया हमारा 51। तो यहाँ ओल्ट F4 करो, यहाँ पर ले लो ब्लैंक स्पेस, कितना डाल दो इसमें 51 डाल दो, 51 हो गया। उसके बाद आप इसी लाइन को पूरे को कॉपी कर लीजिए, बोल्ट ऑन के बाद कॉपी कर लीजिए, ब्लैंक स्पेस इसलिए कि लिया क्योंकि 41 लाइन की आगे लाइन जाएगी ना, ये एड्रेस की लाइन थी, और इसमें हमें क्या चाहिए, एड्रेस तो चाहिए नहीं अब, जिसकी प्लानिंग अच्छी होगी ना वही बेटर काम कर सकता है। अब क्या चाहिए हमें, ट्रांसपोर्ट नंबर था, ठीक है हो गया। अब यहाँ ओपीटी फील्ड को क्या हटा के क्या कर देंगे हम लोग, ट्रांसपोर्ट बस, और क्या करना है, ऑल्ट F4, कहाँ पर आती है ट्रांसपोर्ट, वाउचर में ही आती है या, इतना तो मैं आइडिया तो है लोगों को, ट्रांसपोर्ट बस, और सेव कर दीजिए, ऑल्ट भी कीजिए। अब देखो गलती हो गई, यहाँ पर कर देते हैं, हो गया, क्योंकि ये कंडेंस होता है, कंडेंस नॉर्मल कैरेक्टर में आता है, तो हमें कंडेंस के अंदर ही डालना चाहिए था। देखिए एक बार प्लानिंग करी तो माइंड में सेटअप हो गया ना, मैं मुझे क्या रटा हुआ है, नहीं रटा हुआ, लेकिन मेरे पास प्रैक्टिस बहुत है, इतनी प्रैक्टिस है कि कोई मुझे बिल दे तो 10 मिनट में बना के दे दूँ, ऐसा आपको समझा रहा हूँ फिर भी टाइम लगा रहा हूँ। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, बिल्टी नंबर चाहिए, तो क्या करेंगे, इसी लाइन को कॉपी कर देंगे, क्या हमने क्या, मैं अलग क्या कर रहा हूँ, इसमें कॉपी पेस्ट तो कर रहा हूँ खाली, क्या इसके 1500 रुपये ले रहा हूँ, ये 1500 रुपये जो हम लेते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के लेते हैं, जो हमने इन्वेस्ट करा इसके अंदर, नंबर था आ गया, क्लियर हो गया। अब बिल्टी नंबर डालोगे कहाँ, तो मैंने ये कहा कि जब मैं बिल को निकालता हूँ तो बिल के अंदर जो यहाँ टॉपिक खुल के आता है ना, यहाँ ये नरेशन वाला, क्या खुल के आता है, नरेशन वाला टॉपिक खुल के आता है, जिसके अंदर मैं यहाँ GR डालता हूँ, ये नंबर चाहिए, क्या चाहिए मुझे, ये नंबर चाहिए, बिल्टी नंबर। अब GR नंबर चाहिए, जहाँ तेरी ट्रांसपोर्ट थी उसको उठा के क्या कर दे, GR कर दे, ओल्ट F4 वाउचर, ये रहा GR नंबर। क्या राजू क्या चीज़ इसमें दे जो बिल नहीं बना पाएगा, तो हो गया बनी, यहाँ तक हो गया। अब इसमें हमें एक लाइन चाहिए ना इसके नीचे, तो लाइन का कोड क्या था, देखो ऊपर वाला, वेरी गुड वाला था ये वाला, गुड अजीम, यहाँ आ जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। ये आपके अभी आधा हिस्सा बना है, जिसको हम ये हिस्सा बोल सकते हैं, जैसे मेरी अगर हम लोग बिल डिजाइनिंग करते हैं तो कहते हैं पहले गर्दन बनाते हैं फिर हम आगे नीचे स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमें क्या चाहिए, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और अमाउंट, ये चाहिए ना। तो यहाँ पर बस बोल्ट ऑन कीजिए, कंडेंस ऑन कीजिए, यहाँ पर बोल्ट लीजिए और डालते जाइए। जो आपको लिखना है वो लिख दीजिए, सीरियल नंबर कॉमा, ये 5 लाइन का चाहिए, कॉमा L, बंद कीजिए, दोबारा ऑन कीजिए, बंद कीजिए, ऑन कीजिए, बंद कीजिए, ऑन कीजिए, बस खत्म। क्या लाइन है, हाँ तो कोड डाला ना, देख सीरियल नंबर डाला, अब ये देखो इसके बाद लाइन थी ना मेरी, तो मैंने क्या लिखा, सबसे पहले सीरियल नंबर लिखा, ठीक है, उसके बाद क्या लाइन लगाई, लाइन का कोड लगाया, और कंडेंस को पहले बोल्ड यहाँ करा ऑफ, और कंडेंस को भी ऑफ करा,
कंटेंट ऑफ हो गया, ये देखिए आगे एक लाइन, क्या करा मैंने भारत, पहले लिखा सीरियल नंबर 5, उसकी कैरेक्टर की लेंथ कितनी होगी 5, हाँ ठीक है, और ये बोल्ट ऑन करा, क्लियर, मैं इसकी साइज को कर दिया 7, तो देखिए बड़ा हो गया, ठीक है। उसके बाद अब मुझे क्या चाहिए, मुझे बार बार कॉपी करना, यही कॉपी कर ली जितनी बार आपको चाहिए, कॉपी कीजिए और यहाँ पर क्या करते जाइए, कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, हो गया, नाम चेंज कर दीजिए, हाँ गुड्स ऑफ गुड्स हो गया। इसकी कैरेक्टर ये कितना बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है तो उसके कैरेक्टर आप 55 कर दीजिए, लेंथ बढ़ा दीजिए। फिर हमारा क्या है, क्वांटिटी है, क्वांटिटी सेल नंबर को डाल के यहाँ क्या कर दीजिए, क्वांटिटी क्वांटिटी आप इसको 11 कर दीजिए। क्वांटिटी के बाद क्या है हमारी, रेट यूनिट, तो यूनिट को डाई अजीम यहाँ आ जाते, 12 आ गई। फिर हमें क्या चाहिए, देखो क्वांटिटी हमारी एल में है बिल्कुल सेंटर में, तो क्या डालेंगे अपन, सी डालेंगे, एल एल मतलब लेफ्ट। अब इसी के बाद हम एक और पेस्ट करेंगे, कितना चाहिए हमें, और क्वांटिटी के बाद कितना अपना रेट, और रेट के बाद क्या है हमारा अमाउंट, ये भी अपना अपन का क्या है सी है राजू, आ गई आई ना, समझिए ना, आ गई ना, इतना हो गया ना। अब देखिए यहाँ, अब पहले एस की कॉल इसको 14 कीजिए, जो जिसमें अमाउंट आपको बड़ा चाहिए वो फिगर को बड़ा कीजिए, बड़ा हो गया। अब देखो भारत, देखिए यहाँ पर एक लाइन क्यों आ रही है, यहाँ पर लाइन क्यों आ रही है, क्यों, क्योंकि एंड में कोड लगा रह गया, इस कोड को मैं यहाँ से हटाऊंगा ना, फिर देखूंगा ना, फिर एक्यूरेट आ गया, और इसको सी कर देता हूँ, एल की जगह क्या कर दूंगा सी, हो गया सेंटर। इसके कॉलम की साइज बढ़ा देता हूँ, इसको 11 कर देता हूँ, हो गया बिल्कुल इक्वल। अब इसकी लाइन को बंद करना है तो यही कोड मैं यहाँ डाल दूंगा, कौन सा, बी एल एच कॉमा एफ, देखिए लाइन बंद हो गई, बंद हो गई ना लाइन। अब होता क्या है, जब आप स्केल से लाइन खींचते हो, आपने एक लाइन खींची तो यहाँ तक ही तो रहती है, तो वही तो काम यहाँ हुआ है। पूरी तो बॉडी में बनेगी ना, अभी तो गर्दनी तो बनी है भाई मेरे, अगर तू इस कोट को हटाएगा तो क्या होगा, ये देख पूरी नीचे तक गई है, इसी में अगर ये कोट डाल देगा तू तो वापिस कोट डाल देंगे, ठीक है। ये आपका अभी आज का क्या बना है, हेडर बना है, और कल मैं आपको क्या सिखाऊंगा, फुटर, तो बैठ के अपने सिस्टम में यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो आज आपने देखा कि किस तरह से मैंने बीजी के अंदर आपको बिल्ड डिजाइनिंग सिखाई है, ठीक है। तो ये बिल्ड डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कस्टमर अपने हिसाब से बिल्कुल डेवलप करते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग होता है, किसी को जीआर नंबर चाहिए तो किसी को बिल्टी नंबर चाहिए, किसी को पार्टी की इमेज चाहिए तो किसी को आइटम की इमेज चाहिए, तो आपको जो भी एनीथिंग कुछ भी चाहिए हो तो आप बिल्ड डिजाइनिंग के थ्रू कर सकते हैं।